पूर्वी दिल्ली बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर लगातार बाढ़ पीड़ितों के बीच मदद पहुंचाने के लिए उनके बीच लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं आज सांसद गौतम गंभीर गीता कॉलोनी के शमशान घाट के पास पहुंचे और लोगों को अपने हाथों से भोजन वितरण किया। वहीं गौतम गंभीर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमकर कोसा है और कहा है कि केजरीवाल ने पिछले 9 सालों में कुछ नहीं किया, सिर्फ विज्ञापन पर पैसा खर्च है। अगर वही पैसा उन्होंने दिल्ली के ऊपर खर्च किया होता तो आज दिल्ली के यह हालात नहीं होते। आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली एक दुधारू गाय है, जिससे सारा पैसा इकट्ठा करके कभी पंजाब और कभी गोवा के इलेक्शन के लिए पैसा खर्च किया जाता है। वहीं दिल्ली वालों के लिए गौतम गंभीर ने संदेश भी दिया है कि इस आपदा के साथ निपटने के लिए हम सभी लोगों को एक साथ होना पड़ेगा। लंगर बांटा जा रहा है, अगर बात करें जो पीड़ित लोग हैं। देखिए, लंगर बांटना सिर्फ बहुत टेम्पररी हेल्प है और अगर दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा नहीं खर्च किया गया तो अगले साल भी यही हालत होगी, आप ये आज याद रखना। और अभी तो सिर्फ बारिशें खत्म हुई हैं, जब ये वाटर बॉर्न डिजीजेस शुरू होंगी उसके लिए भी मुझे पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी के पास किसी तरीके की कोई प्लानिंग नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री से आप सिर्फ एक सवाल पूछिए कि पिछले 9 साल में ऐड में कितना पैसा खर्च किया गया और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना पैसा खर्च किया गया है। यहाँ पर हम लंगर ज़रूर बांट रहे हैं और वो सिर्फ बहुत टेम्प्ररी है, बीजेपी के सारे कार्यकर्ता बांट रहे हैं, लेकिन जो असली काम दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार का है वो पिछले 9 साल से दिल्ली में नहीं किया गया। लेकिन गौतम गंभीर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अब हरियाणा के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रही है कि सिर्फ दिल्ली की तरफ पानी छोड़ा जा रहा है, जो सहारनपुर वाली नहर है उसमें पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। देखिए, इस बार डाइवर्ट करने से कुछ नहीं मिलेगा, बहुत कोशिश कर ली 9 साल से, बहुत बार डाइवर्ट कर दी इशू। सिर्फ एक सवाल है, उसका जवाब दिए दीजिए, 9 साल में एडवर्टाइजमेंट पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना पैसा खर्च किया गया है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से बाढ़ का पानी तो कम हो रहा है लेकिन अब बीमारियां बढ़ने की चिंता जताई जा रही है, क्या कहेंगे? उसमें तैयार रहना चाहिए सरकार को? नहीं रहना चाहिए सरकार को, तैयार सरकार को हर चीज़ के लिए रहना चाहिए। कोविड के टाइम तैयार नहीं थे, मानसून के टाइम तब तैयार नहीं होते, पोल्यूशन के टाइम तब तैयार नहीं होते, किस चीज़ के लिए तैयार होते हैं अब ये तो बताइए। तैयार तो वो किसी चीज़ के लिए नहीं होते, रहना तो उनको 9 साल में बहुत चीज़ें करनी चाहिए थी, बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे, तो ये सिर्फ डाइवर्ट करने की कोशिश करी जा रही है। इस बार दिल्ली की जनता उनसे ये मुद्दों से डाइवर्ट नहीं होगी, मुख्यमंत्री को बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करनी ही पड़ेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना पैसा खर्च किया 9 साल में और अपनी शक्ल दिखाने के लिए कितना पैसा खर्च किया 9 साल में। गौतम जी, जब ये आपदा आएगी जो बीमारियों की, तो उसमें हमारे क्षेत्र सांसद ने क्या प्लानिंग करी? देखिए, हमारी यही प्लानिंग हो सकती है कि पहली बात तो ये आपदा आए ना, ठीक है, साफ़ सफाई रखें और जितनी साफ़ सफाई हो सके उतने रखें, और साथ में मेरा मानना यह है कि जितनी भी हमारी तरफ से जो कोशिश की जाएगी, जो हम कर सकेंगे, चाहे दवाइयों को लेके, लेकिन अभी उम्मीद यही करते हैं कि आपदा ना आए। क्या केंद्र सरकार की तरफ से आप कुछ योजना या कुछ? सब कुछ तो केंद्र सरकार ही कर रही है। दिल्ली में कोविड के टाइम भी तो केंद्र सरकार ने किया था, ऑक्सीजन की जब कमी हुई थी तब भी केंद्र सरकार ने किया था, पोल्यूशन में जब कुछ होता है तब भी केंद्र सरकार करती है। तो ये सवाल अब दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछिए ना, उनकी क्या तैयारी है, हमसे तो हमेशा पूछते हैं, 9 साल में कभी उनसे भी ये सवाल पूछा जाए तो अच्छा बेहतर रहेगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।